तो आज का क्या सीन है भाई? देखो, सबसे पहली चीज, ठंड बढ़ चुकी है बहुत ज्यादा, क्योंकि कल हुई थी बहुत जबरदस्त बारिश रात में। क्या बारिश हुई और आज इतनी ठंडी हवा चल रही है, मौसम में बिल्कुल हो रखा है अजीब सा। आज आदित्य जा रहा है अपने घर वापस, ठीक है। आज उसकी शाम की 5 बजे की ट्रेन है, तो अभी क्या करेंगे, अभी मैं 12 बजे के करीबन उसे जाऊंगा ड्रॉप करने के लिए। उससे पहले मेरा एक छोटा सा टेस्ट भी है 10 मिनट का, 10 MCQ है। मेरे को लग रहा था भाई सेमेस्टर खत्म हो गया, लेकिन अभी भी रह गई ये चीजें, ठीक है। मतलब वो छोटी मोटी, उसके बाद एक मूक का सब्जेक्ट है, तब जाके सारी चीजें खत्म होंगी। तो अभी क्या सीन है, अभी चलते हैं कॉलेज। एंड यार, जो आदित्य ने कपड़े दे रखे थे ना धुलने के लिए, देखते हैं यार उनमें से कितने कपड़े जिंदा बचे हुए हैं। मतलब यार सही में मेरे को तो ये लग रहा था भाई सारे कपड़े गए, मशीन में जाते ही सब फट जाएंगे, सब खराब हो जाएंगे। लेकिन कॉलेज चल के देखते हैं भाई कितने कपड़े कामयाब हैं, कितने कपड़े आदित्य ले जा सकता है घर। बाकी थोड़ा बहुत वहां पे सामान वामान समेटेंगे, उसके बाद यार आदित्य भी निकल लेगा 3 बजे, कैब वगैरह बुक करके एंड मैं आ जाऊंगा घर फिर वापस। चलो सीधा मिलता हूँ आप लोगों को कॉलेज में। तो अभी आ चुके हैं हम आदित्य के कपड़े लेने के लिए, तो भैया ने सारे कर दिए अच्छे से। तो क्या निकल गया सारा दाग वगैरह? निकल गए, और कुछ कुछ कपड़े में जैसे कि वो जंग लगा हुआ था ना, तो हाँ गए, तो ये देख लो। ओ इसके सीन बहुत बेहतरीन है, पहने का तो लाजवाब लगे। जिसपे थोड़ा ज्यादा वो जमा हुआ था वो फट गए कपड़े, क्यों फट गए? बाकी सारे तो निकाल दिया हूँ, अब जो कलर जिसमें लग गया था उसको तो कोई काम का ही नहीं है। देखो ये खत्म है, ये भी खत्म है, ये भी खत्म है, ये भी खत्म है बिल्कुल। अच्छा, मतलब जो जिसमें जंग लगा था वो सब खत्म हो गया। बाकी जहाँ तक निकालने का था मैं निकाल दिया, अभी सब तो मतलब बकवास ही हो गया। हाँ, किसी काम के नहीं बचे, किसी काम का नहीं बचे, अब जो भी करेगा। एक कपड़े ये भी है थोड़ा सा जिसमें चटक आ गया। तो भाई फाइनली आदित्य के कपड़े धुल चुके हैं, एंड यार सारे कपड़े तो नहीं बचे, मतलब ऑलमोस्ट है ना सारे कपड़े बच गए हैं, स्पेशली जैकेट्स वगैरह जो थी वो सारी बच चुकी हैं। लेकिन यार जो कुछ टी शर्ट्स वगैरह थी जिनमें आप लोगों ने देखा जो ब्लैक ब्लैक कलर का कुछ फंगस टाइप उनमें जम गया था, तो वो यार मशीन में घुमाते ही फट गए। लेकिन जो जैकेट्स वगैरह थी वो बच चुकी है आदित्य की। एंड भाई आदित्य का जो बिल बनाया सारे कपड़ों का, 49 कपड़े भी थे तो 560 रुपए बिल बैठा भाई। तो आदित्य के थे कितने? 49 कपड़े। अच्छा, पहली बार इतना कपड़े धुलवाया। बाकी आदित्य कुछ स्पेशल टिप जो हॉस्टल में आ रहा है उसके लिए? भाई सीधे सी बात, मिनिमम टू मिनिमम रखो अपनी चीजें। हाँ, जितनी जरूरत है ना उतनी रखो, क्योंकि साल में 1 से 2 बार घर जाना बन ही जाता है। अंटिल नेस तुम प्लान कर रहे हो कि नहीं जाना है। हाँ, 1 से 2 बार जाना बन ही जाता है। और भाई हॉस्टल में रहना है तो ट्राई करो लोकल चीजें ही लो। तो भाई जैसा आपने आदित्य से सुना कुछ हॉस्टल की टिप्स, अब ऐसा नहीं कि मतलब यार आपके कपड़े भी खराब हो जाएंगे, लेकिन यार उसी रूम का सीन था, ठीक है। मतलब चलो आदित्य ने जो भी था उसके खराब हो गए, बट नहीं होने चाहिए थे ऐसे। मतलब यार बाकी रूम्स में ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन हॉस्टल्स में आप लोग आ रहे हो तो कपड़े ज्यादा मत लाना, ठीक ठाक लाना, तो यही सही है ना। ये देखो, ये तो पता ना, वो तो ठीक है ना, बाकी देखोगे तब समझ आएगा। ये बताया था ना, एक फट रखी है। अगर ये नीचे से फटी नहीं होती ना तो पहनी जा सकती थी, क्यों? सही बोला है ना, ये सब नहीं फटा होता ना यहाँ पे। हाँ, मतलब मेन चीज ये फट गई है, ये यहाँ भी चलते, यहाँ भी चलते, यहाँ भी काम लगा। तो देखिए भाई, आप लोगों ने जीन की हालत, मतलब अगर है ना आगे आगे से होता ना सारा तो पहनी जा सकती थी भाई, कोई दिक्कत नहीं है, फैशन है। लेकिन वो नीचे से फट चुकी है पूरी, है ना, तो नहीं है काम की। ये हालत हो चुकी है भाई टी शर्ट की। ये वैसे यार एक चीज है, ये भी मेमोरीज है, क्यों? तो भाई फाइनली सब कुछ सेट हो चुका है, क्यों आदित्य भाई? सब कुछ सेट हो गया। हाँ, और ऐसी है कुछ रूम की कंडीशन, ठीक है। मतलब मेनली यार ये जो था ना गद्दा वद्दा, इसको हमने मतलब चटाई में लपेट दिया पूरा, एंड सारे बैग पैक हो चुके हैं, और बाकी बस यार यही तो थोड़ा बहुत हमने मतलब सामान थोड़ा सही कर दिया है ना। तो अभी क्या करते हैं, सीधे चलते हैं।
क्या क्या भैया? वो डोसा है, दो डोसा कर दो। तो भाई अभी आ चुके हैं हम लोग फाइनली कैंटीन में, अभी जाते जाते डोसा वोसा खाते हैं। तो आदित्य भाई जमशेदपुर से आया था वैसे, है ना, तो लग जाएगा आदित्य को काफी ज्यादा टाइम पहुंचने में। कब तक पहुंचेगा आदित्य भाई? ऐसा टाइम सुबह कल 11 बजे का। अच्छा ओके, 18-19 घंटे लग जाते हैं भाई, 18-19 घंटे ट्रेन में अकेले ट्रैवल करना। समोसे की चटनी, वो हरी चटनी, ये है सांबर, ये अपना ऑल टाइम फेवरेट डोसा आ चुका है। तो भाई फाइनली यार थोड़ा कुछ क्रेविंग हो रही थी तो कुछ खा लिया है। अभी जा रहे हैं अभी ओएटी की तरफ थोड़ा बहुत, क्योंकि यार 3 बजे आदित्य मंगवाएगा अपनी जो भी टैक्सी वगैरह उबर वगैरह जो भी मंगवाएगा उसके बाद जाएगा, ठीक है। तब तक एक बार चलते हैं ऐसे ही थोड़ा बहुत ओएटी के शॉट्स आप लोगों को दिखाता हूँ। तो गाइस यही था ओएटी, ठीक है। बाकी यार अभी जैसे सर्दियों का टाइम है ना, तो जो हमारी क्लासेस वगैरह रहती थी उनके बीच में जो गैप रहता था, तो हम लोग यार यहीं बैठ जाते थे पूरे ओएटी में। एंड ओएटी में बैठने का मजा सर्दियों में ही है, एंड सर्दियों में ओएटी कभी भी आपको खाली नहीं दिखेगा भाई, हमेशा ग्रुप से बैठे हुए हैं, ग्रुप सारे ग्रुप बना के बैठे हुए हैं एंड अपना असाइनमेंट कम्प्लीट कर रहे हैं। बाकी यार इवेंट्स वगैरह भी आने वाले थे, है ना, एनजी फेस्ट वगैरह। चलो एनजी फेस्ट देखते हैं कैंसिल होगा कैसे होगा, जो भी होगा देखा जाएगा। चलते हैं ठीक है, ठीक है अच्छा। तो भाई आदित्य भी चल चुका है, अभी सीधा हम भी मिलते हैं आप लोगों को घर पे डायरेक्ट। तो भाई सभी क्या सीन है, अभी मैं फाइनली आ चुका था जिम, और आज चेक करते हैं अपना वन रेप मैक्स कितना आता है हमारा वन रेप मैक्स। चलो वार्म अप तो मैंने कर लिया है, अभी थोड़ा बहुत फ्री स्क्वाट वगैरह लगाते हैं, फिर दिखा दो आपको। स्टार्ट करेंगे हम लोग स्क्वाट के साथ, देन करेंगे बेंच प्रेस, देन करेंगे डेडलिफ्ट। तो कंपटीशन में लगभग ऐसा ही होता है, ठीक है। तो अभी करते हैं फटाफट से फ्री स्क्वाट लगाते हैं, आपको दिखाता हूँ। हाँ तो गाइस ये दिखाएंगे किसी और वीडियो में, क्योंकि भाई इस दिन हो गया था थोड़ा सीन, ठीक है। ये किसी और वीडियो में बताएंगे, जिस दिन एक फिटनेस वाला वीडियो आएगा उसमें यार जो आप लोगों के डाउट्स थे कुछ की भैया, मतलब हमारे भी प्रिपरेशन के बाद तोंद निकल चुके हैं। गाइस दिस इज द बेस्ट टाइम, आप लोग कुछ भी कर सकते हो, छुट्टियों में आप लोग घर पे हो, ठीक है। तो चलो इसके ऊपर किसी और वीडियो में बात करेंगे, काफी अल्टीमेट वीडियो होने वाला है वो वाला भी। तो यार ये वाला वीडियो पसंद आया तो मतलब सपोर्ट करो यार चैनल को, ठीक है, लाइक करना है बस और चैनल सब्सक्राइब करना है, एंड पसंद आया तो फिर शेयर भी करना है यार अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं आप लोगों से किसी और वीडियो में, टिल देन बाय।